हेलो गाइस, वेलकम बैक. न्यू वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ गाइस, मंचूरियन. तो गाइस, मंचूरियन रेस्टोरेंट जैसा बनेगा, बिल्कुल आप घर में ही बना सकते हैं. तो मंचूरियन बनाने के लिए मैंने लिए हैं बारीक कटे हुए टमाटर, लाल मिर्च जो हरी वाली होती है वो आप चाहे तो शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, और मैंने लिया है हरा प्याज, और ये प्याज जो होता है वो मैंने लिया है बारीक कटा हुआ, लहसुन और मटर. और मंचूरियन बनाने के लिए स्पेशल जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने लिया है बारीक कटे हुए पत्ता गोभी, जो मैंने कद्दूकस से कस लिए हैं. तो आपने नए हैं मेरे चैनल को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और देखिएगा कि कैसा बनता है मंचूरियन घर में. आप रेस्टोरेंट जैसा ही स्वाद ले सकते हैं, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है. तो आप झटपट बनाते हैं मंचूरियन, कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी को धो लिया था और कद्दूकस कर लिया था, और इसमें डालेंगे हरा प्याज बारीक कटा हुआ, इसमें गाइस पानी ज़्यादा होता है तो मॉइस्चराइजर इसका निकालने के लिए आपका इसमें डो बहुत ही ज़्यादा लगेगा. तो इसमें सबसे पहले डाल देंगे नमक, जो मैंने आधा टीस्पून नमक लिया है वो इसके ऊपर डाल देंगे, और जब डालने के बाद इसको जब मिलाएंगे तो इसमें जो पानी निकलेगा, तो इसमें इसको पानी को फेंकिएगा नहीं, इसको पानी रख देंगे 5 मिनट के लिए. तो मिलते हैं गाइस 5 मिनट के बाद. तो गाइस 5 मिनट हो चुका है, और इसको देखें आप इस तरीके से अच्छे से जब नमक मिला देंगे तब ये देख सकते हैं कि इसमें पानी छोड़ देता है. गाइस इसमें मॉइस्चराइजर ज़्यादा होता है और पानी को फेंकिएगा नहीं. तो इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद इसको इस तरीके से हाथ से नचोड़ लेंगे. अब आप देख सकते हैं जब इस तरीके से, अगर आप इसको नचोड़ेंगे नहीं तो आपका डो बहुत ही ज़्यादा लगेगा, तो जिससे आपको खाने में लगेगा कि, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे से नचोड़ लेंगे, और ये आप देख सकते हैं कि पानी ऑलरेडी हरी सब्जी में होता है. तो इसको निकाल लेंगे, इसी तरीके से सभी को नचोड़ लेंगे. तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस तरीके से, तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस तरीके से दोनों हाथों से इस तरीके से नचोड़ लेंगे. अब आप देख सकते हैं कितना सारा पानी निकल रहा है इसमें. तो पानी को गाइस फेंकिएगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन है, और इसको सब्जी इसमें इस्तेमाल कर लेंगे. तो ये गाइस पानी है पत्ता गोभी का, तो आप देख सकते हैं कि कितना पानी रहता है पत्ता गोभी में. तो ये दूसरे बॉल में निकाल लेंगे, और इसमें ऑलरेडी ध्यान रहे गाइस इसमें नमक पड़ा हुआ है, तो ये सब्जी में जब इस्तेमाल करना है तो आपको पता रहना चाहिए कि इसमें नमक ऑलरेडी पड़ा हुआ है. तो अब इस बॉल में जो मैंने पत्ता गोभी और हरा प्याज को जोड़ के रखा था वो इसमें डाल देंगे. तो इसकी गोलियां बनाएंगे गाइस. तो गोलियां बनाने के लिए मंचूरियन की, एक छोटा चमचा मैदा, एक छोटा चमचा कॉर्नफ्लावर ले लेंगे, जिसको अरारोट का पाउडर भी बोलते हैं. तो अगर आप, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, वो इसमें डाल देंगे. अगर आपके पास चावल का आटा है तो वो चावल का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत क्रिस्पी और करारी बनती हैं गोलियाँ. तो इस तरीके से इसको डो तैयार कर लेंगे. डो तैयार करने के लिए इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें परफेक्ट हो, और अगर आपको कम लगे तो इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर. लाल मिर्च अगर तीखी है तो थोड़ा कम डालिएगा, और चूंकि ऑलरेडी इसमें नमक है तो इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ. एक चुटकी टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर, और एक चुटकी हींग. हींग का गैस इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि पेट में बहुत ही जल्दी, क्योंकि जाड़ा है और जाड़े में हजम करने के लिए ठीक रहता है. तो हींग का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा. और एक चुटकी जीरा, गरम मसाला, और एक चुटकी जीरा. तो जीरा और गरम मसाला की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रहेगी. अगर गरम मसाला आप नहीं ऐड कर रहे हैं तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और इसका अच्छे से डो तैयार कर लेंगे. और इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि पानी ऑलरेडी इसमें रहता है. तो पानी आपको कम लगे तो थोड़ा सा जो निकाला था उसका वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. तो इसको जब अच्छे से भूनेंगे तो बहुत ही जल्दी इसका डो तैयार हो जाएगा. तो इसमें थोड़ी सी मैदा और ऐड कर रही हूँ मैं, आधा टीस्पून, आधा टीस्पून से कम कॉर्नफ्लावर पाउडर.
तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो परफेक्ट डो तैयार करना है जिस तरीके से पराठे का डो तैयार करते हैं। और ध्यान रहे, डो थोड़ा सा टाइट नहीं होना चाहिए, पराठे वाला डो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उसी तरीके से सॉफ्ट ही थोड़ा सा करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी है तो पानी इसको छोड़ेगा। और ये बनाने के गोली बनाने के लिए आपको तुरंत जस्ट आपको गैस पर तलनी होंगी। अगर आपको देर से तलनी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो फ्रिज में जब आप बनाएं तो उसको तल सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से डो तैयार कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से डो तैयार हो गया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 टीस्पून इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि परफेक्ट डो तैयार हो गया है। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, हथेलियों में इस तरीके से ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद इसकी गोलियां बना लेंगे। तो गोली आप चाहें तो छोटी बना सकते हैं या बड़ी, जिस शेप से आप बनाना चाहें। तो इस तरीके से गोलियां बना लेंगे। तो ये लीजिए गाइस, मैंने गोलियां बनाकर तैयार कर ली हैं। इस तरीके से गैस गोलियां मैंने तैयार कर ली हैं मंचूरियन के लिए। तो अगर आपको अगर लेट हो रहा है, अगर नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको रखिएगा नहीं, क्योंकि चूंकि फैल जाएगी। तो इसको मैंने पहले बताया था, आप इसको फ्रीज में रख दीजिएगा। तो अगर आपको बनाना है तो आप झटपट बना सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए बनाएंगे मंचूरियन कैसे बनाते हैं और बच्चों के लिए सर्व करती है, और बहुत ही बढ़िया टेस्टी और खाने में लगता है, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिएगा, और इस तरीके से मंचूरियन की गोलियाँ बना सकते हैं। तो अब चलते हैं, फटाफट बन गए हैं छोटे छोटे लड्डू, और चलते हैं गैस की तरफ मंचूरियन कैसे बनाएं। तो गैस को ऑन करेंगे और इस पर रखेंगे नॉन स्टिक फ्लेम, रखा है मैंने, और इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म करेंगे। मंचूरियन की गोली सेकने के लिए ऑयल को आपको परफेक्ट गर्म करना है, ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म नहीं करना है, लो टेम्परेचर पर ही अगर गर्म है तो इसमें गोलियाँ ऐड कर देंगे, और अगर इसको हाई टेम्परेचर पर करेंगे तो इसको आपकी गोलियाँ अंदर से कच्ची रहेंगी। तो गैस धीमी आंच में इस तरीके से मैं बनाकर दिखा रही हूँ, इस तरीके से गोलियाँ बनाइएगा। तो ये ऑयल गर्म हो रहा है, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब गैस को कर देंगे लो फ्लेम पर, और जो गोलियाँ बनाकर तैयार की थी वो इस उठा लेंगे। अब इसमें एक एक करके गोली डालेंगे और इसको गुलाबी गुलाबी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए मंचूरियन के लिए गोली तल रही है। अब इस तरीके से आप इसको पलटेंगे, पलटने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा चम्मच ले लेंगे या इससे पलटेंगे, डायरेक्ट कचौली नहीं लगानी है। अगर कचौली लगाएंगे तो एक दूसरे में चिपक के ये फूट जाएंगी। तो इस तरीके से इनको पलट लेंगे। सारी पकौड़ियों की दिशा चेंज कर देंगे इस तरीके से। तो लीजिए सारी गोलियों को मैंने पलट दिया है, और गैस को मैंने लो फ्लेम पर ही रखा है ताकि अंदर भी अच्छे से पक जाएगी, कच्ची ना रहे। तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मंचूरियन की गोली सिककर तैयार हो गई है चारों दोनों तरफ। अब कचौली लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब नहीं फूटेगी। अब बड़ी सी छलनी ले लेंगे और इसमें इस तरीके से एक एक करके निकाल लेंगे ताकि जो ऑयल है वो नीचे को निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कि मंचूरियन की गोलियां तल गई हैं। इस तरीके से बना लिया है, ऑयल को निकाल देंगे। तो गाइस इस तरीके से आप मंचूरियन की गोलियां बना सकते हैं, और जब चाहे तो बच्चों को सर्व कर सकते हैं मंचूरियन फटाफट बनाकर, इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो बनाएंगे गाइस मंचूरियन। मंचूरियन बनाने के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल लिया है, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। आप चाहे तो गाइस इसमें अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बच्चों को अगर पसंद हो तो डाल सकते हैं, मैंने अदरक नहीं लिया है। और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, लहसुन को भून लेंगे। लहसुन मंचूरियन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डालना चाहिए, और इसको जलाना नहीं है। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को भी हल्का सा रोस्ट करना है और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि जल जाएगा। और इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जो मैंने लाल मिर्च ली है, आप चाहे तो शिमला मिर्च ले सकते हैं, इसको चलाएंगे।
मंचूरियन कट में बना रही हूँ थोड़ा सा पतला, तो आप चाहे थोड़ा सा गाढ़ा भी बना सकते हैं। तो अब तरीके से आप जो भी ऑप्शन हो आप उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो प्याज को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, बस इसकी मॉइस्चराइजर खत्म किया है और अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब ज़्यादा करेंगे तो इसमें सब्जी की महक आने लगेगी। तो अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर के पीसेस, मटर, अगर बच्चों को मटर पसंद है तो आप डालिएगा, स्वाद अनुसार नमक। नमक ध्यान दें, मंचूरियन में पहले मैं डाल चुकी हूँ गोलियों में। इसमें डालेंगे गाइस टमाटो सॉस। टमाटो सॉस की जगह मैंने घर में टमाटो सॉस बनाया है, टमाटर की चटनी। चटनी अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मैं कमेंट में बताइएगा, तो मैं चटनी बनाकर आपको दिखाऊंगी इस तरीके से जो मैंने बनाई है मीठी चटनी टमाटो सॉस की। तो आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी बनती है। तो इसमें ऐड कर देंगे, तो मैंने आधी कटोरी समथिंग टमाटो सॉस, आपके पास टमाटो सॉस है तो आप ले सकते हैं, मैंने मीठी टमाटो चटनी बनाई है वो इसमें ऐड कर दी है। मैंने लिया है विनेगर, वो मैं एक ढक्कन, इसमें विनेगर ऐड कर देंगे। ऑलरेडी इसमें गिर चुका है, तो इसमें 3 टीस्पून समथिंग डालेंगे। लेंगे सोया सॉस, 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, चिली सॉस 1 टीस्पून, जो पत्ता गोभी का जो पानी है वो इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ऑलरेडी इसमें नमक है, मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर पाउडर, जो इसको अरारोट बोलते हैं, इसको गोल बना लेंगे। कॉर्नफ्लोर से गाइस थिकनेस आती है और ये गाढ़ा हो जाएगा, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऐड करके ऐड करेंगे और इसको चलाएंगे और गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और जो पत्ता गोभी का पानी है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि थिकनेस अच्छे से बने। अब जो कॉर्नफ्लोर बचा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर देंगे, अब इसमें पानी डालेंगे, इसको चलाते हुए इसमें एक कप पानी और ऐड करेंगे, आधा टीस्पून कश्मीरी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक जो मैंने ऑलरेडी पहले डाल चुकी थी, 1 चुटकी धनिया पाउडर। अब इसको चलाते हुए इसको चलाएंगे, आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा होने लगा है, तो कितना थिक हो गया है, इस तरीके से चलाएंगे। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं गाइस इसमें वॉल खोल आ गई है और कितनी बढ़िया लग रहा है इसमें, जैसे ही गोल आने लगेगी और वैसे ही इसमें गोलियां डाल देंगे मंचूरियन की। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और फटाफट सर्व कर लेंगे, इसको चलाएंगे। तो ये परफेक्ट मंचूरियन बनके तैयार हो गया है। अब एक गोल आने के बाद इसको गैस को ऑफ कर देंगे। अब 5 मिनट तक इसमें बॉयल आ चुकी है, ज़्यादा बॉइल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो गैस को ऑफ कर दिया है, परफेक्ट मंचूरियन बनकर तैयार हो गया है। तो ये रहा गैस मंचूरियन, आपका मुंह में पानी आ रहा होगा, तो इसको सर्व कर लेंगे। इसकी रेडनेस आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है, मुंह में तो पानी आ रहा है, फटाफट सर्व कर लें और इसको खाएं। तो ये रहा गाइस मंचूरियन, परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। सो गाइस इस तरीके से आप मंचूरियन बनाइए और बच्चों को खिलाइएगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से जब इसको फोड़ेंगे आप देख सकते हैं कि इस गोलियाँ कितनी सॉफ्ट बनी है। ये रहा मंचूरियन, इस तरीके से आप बनाइए, इस तरीके से गाइस आप बनाइए और बताइएगा कि मंचूरियन कैसा बना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को देखने तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और बताइएगा कि मंचूरियन की रेसिपी आपको कैसी लगी। और कम्युनिटी ऑप्शन में नया चैनल जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ उसमें भी आप जाकर मेरे चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।